भाई, तो आज हम बनाने वाले हैं एक इंडिकेटर, स्विच कनेक्टर इंडिकेटर, जिसमें हमको यूज़ आएगा एक 10 रुपये का प्लग। ये नॉर्मल प्लग है, मेरे यहाँ ख़राब पड़ा था भाई। कोई सी भी जिस कलर की आप इसमें एलईडी लगाना चाहते हैं, कोई सी भी एलईडी ले लें 1.5-2 वॉट का यहाँ से, तो मैं इसमें रेड कलर की एलईडी ले लेता हूँ। ओके, रेड, ब्लू, येल्लो कोई सी भी आप ले सकते हैं। चलिए मैं मल्टी कलर ले लेता हूँ। ओके, मैं मल्टी कलर की एक एलईडी ले लेता हूँ। और हमें इसके लिए एक रजिस्टर चाहिए, 1K का रजिस्टर आप ले सकते हैं। अब अपन इसमें सेटअप करेंगे। सेटअप कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप इसको खोल लीजिए। इसको खोलने के बाद इसमें आपका 3 पार्ट निकलेगा। ये आपका स्क्रू हो गया टाइट होने वाला, ये दूसरा आपका जो बोर्ड पे कनेक्शन जाएगा ये हो गया। तो ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो अपन एक टांग इस पर ऐसे डाल देते हैं, एक टांग इस पर डाल के इसको टाइट कर देना है। दूसरी वाले को भी ऐसे ही ऐसे करके इसको कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करते टाइम आपको ध्यान देना है कि ढीला ना हो, अगर ढीला रहेगा तो अपना काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, या डायरेक्ट आप इसके साथ भी अगर कनेक्ट करना चाहते कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसके साथ ये बहुत पतला वायर कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इसके साथ कनेक्ट किया। ये करने के बाद आपको एक एलईडी जो आपने निकाली थी, किसी भी कलर की एलईडी आप ले लीजिए, इसको आपके साथ इस रजिस्टर को जोड़ देना है। मतलब इस सीरीज में आपको इसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। डायग्राम के थ्रू भी मैं लास्ट में बता दूंगा, तो लास्ट में आप उस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हो गया, अब यहाँ पे इसके साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये हमारा कनेक्ट होकर तैयार हो गया। ठीक है, इसका डायग्राम आपको लास्ट में मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा एक बार, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फिर इसको आप ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको कनेक्ट कर, ठीक है, ऐसे करके आप ये देख रहे हैं, ये सारी को अंदर रखिए। इस तरीके से मैंने कर लिया है। इस तरीके से करने के बाद ये आपका जो एलईडी का थोड़ा उठा हुआ जो भाग है, ये आप दिख रहा होगा, ये एलईडी का छोटा उठा हुआ जो भाग है, इसको अंदर साइड पर रखेंगे। ठीक है, ताकि आपको करंट या झटका ना लगे। अब इसको सिंपली ऐसे करके इसको इसके साथ ऐसे करके लगा देना है। ठीक है, इसको लगाने के बाद यहाँ पे एलईडी निकल आई है। एलईडी निकलने के बाद आपको ये जो आपका टाइट करने वाला नट था, इसको यहाँ पे ऐसे लगाएं और इधर से टाइट कर देंगे। इसका पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ किसी भी पेज पे और आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एलईडी थी, एलईडी एलईडी की 2 वायर निकली है और ये रजिस्टर है। रजिस्टर को एलईडी के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और रजिस्टर की दूसरी टांग, पहली टांग एलईडी की, और ये यहाँ पे है एक स्विच। ठीक है, सॉरी, ये प्लग है, ये प्लग प्लग के दो जो ये टर्मिनल है, दोनों को, एक को हमने डायरेक्ट एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरे के साथ जो रजिस्टर कनेक्ट था उस पर कनेक्ट कर दिया। ये आपका डायग्राम कनेक्ट होगा और इसको प्लग लगाएंगे। चलो करते हैं टेस्टिंग। ओके, अब जो हमने बना लिया था ये हमारे पास रेडी हो गया। हम चेक करेंगे इस पर करंट आ रहा है, हमें तो पता है करंट आ रहा है, तो हम इसको लगाएंगे और करेंगे टेस्टिंग। देख सकते हैं इसमें करंट आ रहा है और ये ब्लिंक कर रही है। आप इसी तरह घर में बना सकते हैं, इसमें भी चेक करते हैं, इसमें भी करंट आ रहा है। अगर हम समझ लीजिए, ये जो इसमें अपन ऐसे प्लगिंग करते हैं और ये करंट आता है और इसको अपन बंद करते हैं, देखिए इसमें करंट नहीं आ रहा है, मतलब ये 100% वर्क कर रहा है। ओके,